कई पीढ़ियां गुजर गई, कई वीरों ने अपनी जान गंवा दी है, कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति अयोध्या में दे दी, लेकिन रामलला को विरासते नहीं देख पाए। कितने राम भक्त और वीरों ने सांसारिक मोह त्याग कर अयोध्या में मुक्ति आंदोलन से जुड़ गए और उनमें से अधिकांश लोग अपने प्राण त्याग चुके हैं, पर मोदी और योगी के इस युग में हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। तो 2003 में जब अखबारों में अयोध्या में जुड़े खुदाई के बारे में खबर छपती थी तो लोगों के मुंह से निकलता था, बुझाता अब राम मंदिर बन जाए, अब हो रहा है वो सपना साकार। साल 2003 अयोध्या जी में खुदाई चल रही थी, अखबार के पहले पन्ने पर उसी से जुड़ी खबर छपती थी। तब एकाएक खबरों की बिक्री बढ़ गई थी, तब एक एक खबरों को 25-50 लोग पढ़ते थे, कोई एक पढ़ता था तो कई लोग तन्मयता से सुनते थे। मंदिर से जुड़े कुछ साक्ष्य मिलने की खबर आती थी तो अनायासी अनेकों मुंह से निकल पड़ता था, अब बुझाता जी मंदिर बन जाए। बूढ़े लोगों की धुंधली हो चुकी आंखों की रोशनी एकाएक उभरने वाली चमक दैवीय थी। मेरे आस पड़ोस के वैसे असंख्य बुजुर्ग मंदिर बनाने की आस के लिए कब से धराधाम हो चुके हैं। पिछले दिनों साध्वी ऋषि तंबरा का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बता रही थी कि कितने ही वैरागी संतों जिन्होंने सांसारिक सदैव के लिए त्याग दिया था वे भी लौटकर 1992 में मुक्ति आंदोलन से जुड़ गए थे। क्यों 500 वर्ष पुराने घाव के उपचार के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर बंदे देखने के लिए, उनमें से अधिकांश अब नहीं है, ये शुभ दिन देखना उनके भाग्य में नहीं है। वे कलकत्ता वाले दो देवात्मा कोठारी बंधु, क्या अद्भुत कलेजा रहा होगा उस्मा का जिसने इस महायज्ञ में अपने दोनों बेटों की आहुति दे दी। दोनों वीरों ने उस आयु में बलि दी जब सांसारिक सुखों की चाह सर्वाधिक होती है। मृत्यु बांटती बंदूकों के सामने खड़े उन युवकों के हृदय में एक और केवल एक ही इच्छा रही होगी, राम जी का मंदिर बन जाए बस। उस आंदोलन से जुड़े लाखों योद्धाओं में से जाने कितनों ने अयोध्या में अपनी बलि दी, जो बच गए उनमें से अनेकों उस आंदोलन के बाद मंदिर बनने की प्रतीक्षा करते करते निकल गए, वो अभिलाषा कि अयोध्या का वैभव लौटते देखे, अयोध्या में राम जी को लौटते देखे, मन में रह गई और जीवन पूर्ण हो गया। महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, अशोक सिंगल जी, कल्याण सिंह जी, विष्णु हरि डालमिया जी, असंख्य लोग जिन्होंने अपना समूचा जीवन राम मंदिर को दे दिया, पर ये शुभ दिन देखने से पहले संसार को छोड़ गए। एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जलालाबाद के एक मंच से ये गर्जना करने वाले कवि विष्णु गुप्ता भी चल गए, आंखों में बस वही आस थी, मंदिर मंदिर मंदिर। राम जन्मभूमि के लिए केवल 1992 में ही आंदोलन नहीं हुआ था, अयोध्या जी के दुर्भाग्य की इन 5 शताब्दियों में हिंदू जाति कभी चुप नहीं बैठी, हर पीढ़ी लड़ी, हर पीढ़ी के वीरों ने अपनी आहुति दी, उन्हें सफलता भले ना मिली पर उनका समर्पण कहीं ना कहीं कम नहीं था। वीरों की प्रतिष्ठा सफलता असफलता पर निर्भर नहीं करती, प्रतिष्ठा उनके समर्पण उनके शौर्य से तय होती है। हर पीढ़ी बस इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए लड़ी कि वहां राम जी का मंदिर बन जाए। सबने केवल और केवल राम की बाट अघोरी थी, बस उनके भाग में वो दिन देखना बदा नहीं था। स्वर्ग में बैठे उन पूज्य पितरों का स्वप्न पूरा हो रहा है जो दिन देखने की चाह लिए 25 पीढ़ियां गुजर गईं, अब वो आया है, अयोध्या के दिन अब फिरे हैं, राम जी अब लौट आए हैं। 22 जनवरी को जब आप दिवाली मनाएंगे तो एक दीप उन समस्त वीरों की यादों में जलाएं, जिनकी तपस्या जिनके बलिदान के कारण ये शुभ दिन आया है, उन लाखों करोड़ों पूर्ण आत्माओं की स्मृति में जो ये शुभ दिन देखने के लिए तरस गए थे, ये सचमुच पूर्ण होगा।